टिकटन विधान केंद्र सरकार ने किस तरीके से इस निर्णय को देखते हैं? एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलतफहमी पैदा कर रहा है और ये बार बार अपने बयान बदल के अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को गलतफहमी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पहले 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं और ये कहा जाता है कि आज डॉक्टर रमन ने कहा कि 2500 रुपया धान खरीदी की बात विधानसभा में कहा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज तारीख तक छत्तीसगढ़ के किसानों के चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। ये आरोप मैंने विधानसभा के अंदर लगाया था और उस पर मैं कायम हूँ कि हाँ अभी तक नहीं दिया गया है। सवाल दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने पूरी व्यवस्था को चौपट करने की जवाबदारी खुद सरकार के ऊपर है। आज जो कहा जा रहा है कि सोसाइटी जाम हो गया, सोसाइटी जाम क्यों हुआ ये क्या फूड के अधिकारी नहीं जानते, यहाँ बैठे हुए अधिकारी नहीं जानते और मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा है कि आपने जितने भी सोसाइटी हैं उसमें धान को लिफ्ट करके और उसको संग्रहण केंद्र तक ले जाने का लिए संग्रहण केंद्र बना है। संग्रहण केंद्र की कैपेसिटी 35 लाख मीट्रिक टन हमने बनाई थी, 35 लाख मीट्रिक टन। इसका मतलब ये है कि 35 लाख मीट्रिक टन को आप संग्रहण केंद्र में डाल सकते हो। अभी तक 2 लाख से ज़्यादा धान को सोसाइटी से संग्रहण, यदि आप सोसाइटी को खाली करना है तो पूरे के पूरे धान को परिवहन की प्रक्रिया होती है और ये हर साल होता है, 15 साल हमने किया, उसको परिवहन के लिए संग्रहण केंद्रों तक भेजा जाता है। बफर लिमिट जो रहती है वो 10% से ऊपर आज तक नहीं हुआ। ये अजीब सरकार है, कहीं कहीं बफर स्टॉक में कल रिकॉर्ड देख रहा था 66% है, कहीं 40% है, कहीं 30% है। सोसाइटी की कैपेसिटी को इतना ज़्यादा आप भर दोगे और 10% टोटल क्वांटिटी का बफर स्टॉक पूरे सोसाइटी को मिलाकर होता है। ये सैद्धांतिक रूप से निर्णय आज से नहीं 10 साल पहले लिया जा चुका है, उसके भी क्रियान्वयन नहीं कर रहे और पूरे सोसाइटी को जानबूझकर ये ब्लॉक कर रहे हैं। वारदाना खरीदी के लिए केंद्र सरकार को ये हर बात अच्छा है तो भूपेश सरकार और ठीक नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार को, इस प्रकार की राजनीति किसी राज्य और किसी केंद्र के बीच में नहीं देखा। इतने उथला आरोप लगाने, बारदाना नहीं खरीद पा रहे भाई, बारदाना खरीद नहीं, किसे आज किसान सबसे ज़्यादा संकट में है। किसान जितना रो रहा है इस धान खरीदी में रोज़ रोज़ के नए नाटक से, ये किसान उसको याद रखेगा, भूलने वाला नहीं है किसान की तुम बहानेबाजी करके इधर उधर की बात करके किसान को भका रहे हो। आप देखिए पंजाब में 1.5 करोड़ मीट्रिक टन से लेकर 2 करोड़ मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट होता है और कहीं बारदाना का संकट नहीं आता, उत्तर प्रदेश में कहीं संकट नहीं आता, अकेला प्रदेश छत्तीसगढ़ में 40 लाख आते आते हाँफने लगे हैं और अब कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है। किसान ला रहा है 40 रुपये में बारदाना, दे रहे हो 15 रुपया, काहे के लिए 2500 रुपये का नाटकबाजी हो रहा है? आप तो धान खरीदी के पूरे सिस्टम को चौपट करके रख दिए हो और आज फिर ये आखिरी में जब जनवरी ख़त्म हो जाएगा ये रोज़ धान खरीदी को बंद करने का बहाना, और बारदाने को लेकर ये बार बार ऐसे समय खराब करते जाएंगे और ये धान खरीदी से बचना चाहते हैं। जहाँ तक राज्य सरकार की सवाल है, जो प्रश्न आपने किया मूल कि 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति दी है, अरे भाई 22 लाख मीट्रिक टन तो आपको पीडीएस के लिए चाहिए, आपको अपने पीडीएस के लिए जहाँ नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गोडाउन में उतना चावल तो आप स्टॉक रखो ना, उतना चावल स्टॉक रखोगे तो आपका अपने आप मिलर को काम मिल जाएगा। और जो बार बार कहते हैं कि अनुमति नहीं मिली FCI से, आप अपने लिए 22 लाख मीट्रिक टन गरीबों के लिए चावल देने की योजना में
22 लाख का मतलब ही होता है कि करीब 35-32 लाख टन मेट्रिक टन धान का खपत हो जाएगा। 24 लाख ये मिल गया, 24 और 22 को मिला दे 86 लाख मेट्रिक टन हो गया। अभी 46 लाख मेट्रिक टन राइस को आप मिलर से मिलिंग कराएं, इस बात के लिए भी जो आरोप लगाते हैं कि हमारे पास जो हम संग्रहण केंद्र हैं उस पे धान सड़ गया। सड़ा कैसे? आपने कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी, पैसे के बंदरबांट में उसको रोक दिया गया, और 5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा धान यदि सड़ रहा है इसके लिए जवाबदार राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार को ये तय करना चाहिए यदि उसमें जिलाधीश ने विलंब किया, किसी अधिकारी ने किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रिकॉर्ड में है कि किस किस ज़िले में कितने कितने धान खराब हुए, अब मिरर को डंडा चला रहे हो और बोल रहे हो कि इसको ले जाने के लिए प्रक्रिया करो और उसको मिलिंग करो। सड़े हुए धान का कोई मिलिंग करता है क्या? इसके लिए मिलिंग की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए इस प्रकार के बहानेबाजी से मत बचिए। आपको धान खरीदना है, 90 लाख मेट्रिक टन ही खरीदना है तो 90 लाख ही खरीदिए, और इसके लिए बारदाना की व्यवस्था करें। मैं यही कहना